हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी आई क्यू अभिषेक। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी आई क्यू अभिषेक में। और जैसा आपको पता होगा, मैंने कल ही से एप्टीट्यूड सेक्शन की पहली वीडियो नंबर सिस्टम अपलोड करी थी और उस वीडियो पे बच्चों का रिस्पांस तो था वो काफी अच्छा लगा मुझे। तो उसी लिए मैंने सोचा कि अब सारी जो एप्टीट्यूड की आपकी सारे जो सिलेबस है उन सारे सिलेबस को जो है मैं कवर कर दूंगा, छोटी छोटी वीडियोज बना के आपको बेसिक्स बता दूंगा, ताकि क्योंकि टाटा स्टील के पेपर में ज्यादा टफ क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, तो उसी से रिलेटेड मैं हर एक वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन को कुछ कवर कर दूंगा, ताकि आपको बेसिक्स में किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। और फ्रेंड्स, अभी मैंने मॉर्निंग जो है इंग्लिश की एक वीडियो अपलोड करी थी, जिसमें काफी सारे आपको एक दो पन्नों से आप समझ लीजिए आपको कम से कम 200 वर्ड जो है याद हो जाएंगे। लेकिन मैं देख रहा हूं उस वीडियो को जो है रिस्पांस अभी लड़कों का अच्छा नहीं है, उस वीडियो पर लड़के नहीं देख रहे हैं। क्यों नहीं देख रहे हैं? जबकि कल जो वीडियो मैंने वही सेम वीडियो डाली थी उस पर जो रिस्पॉन्स था बहुत जबरदस्त आया था। तो वीडियो को आप लोग जाइए और वीडियो को भी देखिए, क्योंकि उसमें भी मैंने लगभग आपको ऐसे ऐसे वर्ड्स करा दूंगा कि आपको मतलब वोकैब सेक्शन में आपको कभी किसी भी एग्जाम में, ये तो टाटा स्टील का भी, तो आगे आप और भी पेपर देंगे अगर वोकैब स्ट्रांग, तो आपकी वोकैब स्ट्रांग रहेगी तो आपके लिए किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप ये वीडियो खत्म होने के बाद जाके देखिए और अपने फ्रेंड्स वगैरह में भी शेयर कीजिए, क्योंकि उसी की जो मैं है करीब करीब 8 से 10 चैप्टर्स वीडियोस उन इंग्लिश की वीडियोस के लेके आऊंगा, क्योंकि वो वीडियोस जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा फायदा देगा, सिर्फ टाटा स्टील में नहीं आपकी इंग्लिश सुधारने में वो जो वीडियो बहुत ज्यादा फायदा देगा। तो फ्रेंड्स, अब हम जो है बिना देरी करें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का जैसा कि आपको चैप्टर दिख ही रहा होगा, जो आज का जो चैप्टर है हमारा है वो एलसीएम और एससीएफ। तो देखिए, एलसीएम एससीएफ एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड आपको काफी सारे क्वेश्चन जो टाटा स्टील के पेपर में मिल सकते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। और बहुत ही बेसिक चैप्टर, आपको मैं इतना बारीकी सी तो एक एक ऐसा सवाल हर कॉन्सेप्ट ऐसी समझा दूंगा जो इससे बाहर आपका 100% बता रहा हूं, कहीं से कहीं तक क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप खुद ही देख लेंगे जब वीडियो खत्म होगी, तब आप कहेंगे हाँ सर इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट फॉर्मूला तो आपको यही याद रखना है। देखिए, दो नंबर अगर दे रखे हैं उनके मल्टीप्लिकेशन उनके एससीएफ और एलसीएम के दोनों के क्या होता है बराबर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमेशा याद होना चाहिए आपको। अगर ये फॉर्मूला नहीं याद है तो आप एससीएम एलसीएम में कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब दो नंबर अगर दे रखे हैं 12 और 14 और उनका एलसीएम दे रखा है 13, तो आप लगेंगे 12 × 14 = 13, तो उससे आपका एससीएफ निकल जाएगा, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला है। बाकी देखते हैं, अगर फ्रैक्शन में वैल्यूज दे रखी हो तो एससीएफ कैसे निकालते हैं। ये देखिए, फ्रैक्शन की वैल्यू का फॉर्मूला यहाँ पे, ये फॉर्मूला जो दिख रहा है, फ्रैक्शन समझ रहे, जैसे कि 6/12, जैसे कोई नंबर दे रखा है 6/12 करके, ठीक है, और आपका दे रखा है 3/2, ठीक है। तो आपको इनका एलसीएम एलसीएम या एससीएफ निकालना है, तो उनका कैसे निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला ही गिवन है। तो देखिए, अगर एससीएफ निकालना है तो ऊपर वाले नंबर का हम सब क्या निकालते हैं, एससीएफ। मतलब दोनों चीजें बेसिक कॉमन रहती है, मतलब एससीएफ निकालना है तो ये एससीएफ। और देखिए, इसी फॉर्मूले जब एलसीएम निकालेंगे, मतलब जब फ्रैक्शन में एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, जो एलसीएम ऊपर है तो ऊपर भी उसका नंबर्स का क्या निकलेगा, एलसीएम, और नीचे क्या निकलेगा, एससीएफ। इसमें नीचे क्या निकलेगा, एलसीएम, इसका उल्टा, मतलब सामने सामने जो रहेगा सेम रहेगा। अब देखिए, हमेशा एक चीज इंपॉर्टेंट देख लीजिए, दो को प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका हमेशा एससीएफ क्या रहता है, 1 रहता है। ऐसे मतलब उनमें कॉमन एक ही रहेगा। अब देखिए, 13 और 17 में कुछ कॉमन है नहीं है, लेकिन क्या कॉमन है, सिर्फ एक कॉमन है, एक तो सभी में कॉमन होगा जो, तो आप समझ सकते हो। तो ये कैसे नंबर है, दोनों ही को प्राइम नंबर है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो थी एलसीएम एलसीएम की कुछ बेसिक सी क्वांटम जिसे मैंने आपको समझाना था। आप देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। देखिए, सबसे पहले बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, जिसे बिल्कुल कुछ नहीं पता एलसीएम एलसीएम के बारे में, उसके लिए मैंने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लिया है। तो देखिए, बेसिक क्वेश्चन में क्या है, एससीएफ निकालना है, इन 3 नंबर का आपको निकालना है एससीएफ, यानी हिंदी में कहें तो मासा, ठीक है, अगर हिंदी वाले हैं तो हिंदी में मासा। तो देखिए, इसमें मासे में क्या सकते हैं, एससीएफ हाईएस्ट कॉमन, मतलब इसमें कॉमन निकालते हैं जो मतलब सबसे ज्यादा कॉमन है। तो देखिए, इसका आपने क्या करा, इसके फैक्टर हुए 2, 3 और 7, 63 के फैक्टर हुए 3, 3 एंड 7, एंड 140 के फैक्टर हुए 2, 2, 5 और 7। तो इसमें देख लिए, इन तीनों में सिर्फ 7 कॉमन है, देखिए, और बाकी इन तीनों में इसमें केवल इसमें भी 7 और इसमें भी 7, तो यहां पर एससीएफ कितना हो गया इसका 7। तो आपको ये चीज समझ में आई होगी, एससीएफ क्या होता है, जो केवल कॉमन चीज होती है तीनों में कॉमन चीज होती है तो वो एससीएफ होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे जैसे 3 है, यहाँ भी 3 है, एक या 3 और होता तो इसमें 3 भी और, तो यानी 7 × 3 क्या हो जाता, यानी 21 यहाँ तक क्या हो जाता एससीएफ। बाकी एलसीएम देखिए, एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में देखिए, मान लीजिए 87 और 45 का मैं एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में क्या 87 का क्या होगा 29 × 3 और 145 का क्या होगा आपका 5 × 29। तो यहाँ पे आप दोनों चीजें देख रहे होंगे, तो यहाँ पे देखिए एलसीएम की वैल्यू कैसे निकलेगी, जो कॉमन है उसे तो केवल एक बार लिखेंगे दोनों में, और बाकी जो बच गया उसे दोनों चीजों को लिख लेंगे। तो ये होता है आपका एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पे 435 आपका आ जाएगा एलसीएम। तो ये तो फ्रेंड से बेसिक सवाल, आप कुछ एडवांस सवालों के और चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आपको दिख रहा होगा, एससीएफ निकालना है इन नंबर्स का, 2/3, 8/9, 6/12। तो मैंने आपको बताया था, अगर एससीएफ निकालेंगे तो ऊपर वाले सेक्शन का क्या निकलेगा हमेशा एससीएफ, मतलब ऊपर वाले नंबर का क्या निकालेंगे, इन वाई नंबर का एससीएफ। तो देखिए, एससीएफ किन का निकालेंगे, 2, 8, 16 और 10। तो देखिए, इसमें आपको देख के ही पता लग रहा होगा केवल यही एक ऐसा होगा जो कॉमन निकल सकता है 2, ठीक है। एससीएफ में तो कॉमन ही निकालते हैं, जो मेन कॉमन होता है, तो इससे ज्यादा नंबर नहीं, तो यहाँ पे इसका कॉमन क्या निकलेगा, और बाकी इसका एलसीएम क्या निकलेगा, इसका आप एलसीएम ले लेंगे 3, 9
81 और 27 एलसीएम लेना बहुत आसान होता है, वो तो आप लोग कर ही लेते होंगे, बचपन से करते आ रहे होंगे। तो इसका एलसीएम कितना होगा? 21। मेरा काम है बस आपको कॉन्सेप्ट सिखाना। तो यहाँ पे देखिए इसका क्या होगा, एससीएफ निकल जाएगा, ऊपर वाला जो कॉमन आ गया 2, तो इसका एससीएफ कितना निकला, इसका एससीएफ निकला 2/81। ठीक है, इस तरीके से एलसीएम का, इसका एलसीएम भी निकाल सकते हैं। एलसीएम में ऊपर का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो हमने इसका एलसीएम निकाला ऊपर वाले का, तो ऊपर का एलसीएम कितना है 80। अब इसमें कॉमन देखिए, इसमें कॉमन बस 3 रहेगा, है ना। एससीएफ मतलब होता है जो मेन एक कॉमन होता है, तो 3, क्योंकि इसमें से ज्यादा कोई नंबर नहीं, बाकी 3 सब में कॉमन आ जाएगा, तो 80/3 क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक सवाल था, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर पता नहीं होता कॉन्सेप्ट तो ये क्वेश्चन भी आपसे नहीं हो पाता है। आते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ, मतलब दो नंबर है, कितने रेशियो है, 15:1। इफ देयर एससीएफ, मतलब उन दोनों नंबर के एससीएफ कितना है, 13 है, तो फाइंड द नंबर। तो मान लेते हैं एक नंबर हम क्या कर ले 15x और दूसरा नंबर क्या मान लेते हैं 11x। ठीक है, हमने दोनों नंबर को, एक को 15x माना और एक को 11x माना। अब देखिए एससीएफ कितना है 13, तो बताइए इन दोनों नंबर का एससीएफ क्या होगा। एससीएफ वो चीज होती है, कॉमन होता है, तो एससीएफ क्या हुआ, एक्स, एक्स ही तो कॉमन है दोनों में। तो अब एससीएफ एक्स हुआ, तो एक्स एससीएफ हुआ, तो एससीएफ कितना दे रखा है इसमें 13। तो जब एक्स 13 दे रखा है, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आई 13। और जब एक्स की वैल्यू 13 आई, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 13 रखेंगे, तो 15 × 13 पहला नंबर मिल जाएगा और 11 × 13 दूसरा नंबर मिल जाएगा। तो 195 × 143 आपका इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए आपको बहुत इजी समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, बहुत बेसिक सवाल है। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए द नंबर रेशियो, नंबर रेशियो क्या है 3:4, दो नंबर का आपस में रेशियो क्या है 3, और उनका एलसीएम कितना है 84। ठीक है, और फाइंड द नंबर, मतलब नंबर फाइंड करने हमें, तो देखिए हम क्या करेंगे, नंबर को लिख लेंगे, नंबर क्या होंगे 3x और 4x, इसके अकॉर्डिंग हमने लिख लिया नंबर क्या है 3x और 4x। एलसीएम कितना होगा, आप देखिए अब इसमें अगर एससीएफ निकालेंगे दो नंबर का, तो एससीएफ कितना आएगा केवल एक्स, लेकिन अगर इसका मतलब एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, एससीएफ तो आएगा ही आएगा, साथ में 4 और 3 जो बच जाता है वो भी आता है। ठीक है, 4 और 3, तो टोटल कितना हुआ 12x, तो ये इसका क्या निकलेगा एलसीएम। ठीक है, तो देखिए एलसीएम गिवन है कितना है 84, तो 12x को किसके बराबर रख देंगे, यहाँ पे 12x को रख देंगे 84 के बराबर। तो जब 12x को 84 के बराबर रख देंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7। जब x की वैल्यू 7 आ जाएगी, तो आपको नंबर मिल गया, x यहाँ पर उठा के रख दी, पहला नंबर 7 × 3 और दूसरा 7 × 4 = 28। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, कई कई कर नहीं पाते, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको एक बेसिक तरीका दिखा दिया, और ये दिखा दिया कि एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम कैसे लेते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कैसे करते हैं। ठीक है, आते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए द फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, मतलब हमें क्या ज्ञात करनी है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ को ज्ञात करना है। कैन बी यूज बी द मेजर ऑफ एक्जैक्टली लेंथ, लेंथ मतलब कितनी कितनी है, 4 मीटर 95 सेंटीमीटर, एक बीच में 9 मीटर, और इसमें 16 मीटर 25 सेंटीमीटर होगा यहाँ पे पूरा। ठीक है, तो इनके बीच में हमें ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ज्ञात करनी, मतलब इसमें ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ का मतलब इनमें से कितनी कॉमन लेंथ निकाली जा सकती है। तो जैसी ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ का मतलब कॉमन लेंथ, यानी इसका मतलब हमें इनका क्या निकालना है, एससीएफ। ग्रेटेस्ट का मतलब समझ जाइए आपको एससीएफ निकालना है। तो यहाँ पे देखिए एससीएफ कैसे होगा, अब इसे क्या करिए, सबको सेंटीमीटर में चेंज कर लिए। हम मानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 4 मीटर में 400 + 95 यानी 495 सेंटीमीटर, 9 मीटर में 900 सेंटीमीटर, और 16 मीटर मतलब 1600, और प्लस इसमें क्या है, सॉरी 65 हो गया, और 65 सेंटीमीटर, तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इनके फैक्टर कर लेना है। देखिए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, फैक्टर इनके, यहाँ पे आपको बेसिक तरीके से फैक्टर कर लेने, और फैक्टर बस आपको कुछ नहीं करना, जो जो कॉमन है। देखिए एससीएफ का मतलब क्या होता है, इसमें 3 का स्क्वायर तीनों में, देखिए इसमें 3 का स्क्वायर तीनों में, तो एक तो ये कॉमन हो गया, बाकी 5 5 1 5 इसमें और 1 5 इसमें, तो इसका ये जो हो जाएगा 45। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड लेंथ हो जाएगा आपका 45 जो हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन था, इसकी कॉन्सेप्ट आपको आनी चाहिए। अगर वो कह रहा है लोग ये समझ ही नहीं पाते ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है, सच्चाई बता रहा हूँ, ये लोग समझ ही नहीं पाते कि ये क्वेश्चन भी एससीएफ से निकाला जा सकता है। तो ठीक है, इसे समझ में नहीं है, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है तो पता नहीं वो समझ नहीं पाते, इसलिए बता रहा हूँ एससीएफ से इस टाइप के क्वेश्चन हाईएस्ट पॉसिबल लेंथ वगैरह निकाली जा सकती है। अब देखिए फाइंड द ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड बाई 62, 132, 237 टू लीव द सेम रिमाइंडर इन केस, मतलब ऐसा बड़े से बड़ा नंबर हमें याद करना है जो इनसे अगर डिवाइड करा जाए तो सेम रिमाइंडर हमें दे। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हमें करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप समझ लीजिए ये भी एक मतलब एक टाइप है और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन को। अब ये जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, और ये इसी टाइप का आपको पेपर में अगर एससीएफ एलसीएम का क्वेश्चन आएगा तो मिल जाएगा। तो देखिए लीस्ट नंबर लार्जेस्ट नंबर है ये, तो देखिए इसमें क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में अगर सेम रिमाइंडर है, ये बात ध्यान रखना, ये वाली इंपॉर्टेंट चीज है, अगर सेम रिमाइंडर आप देखेंगे तो क्या करेंगे, इसमें से ये घटाएंगे, देखिए ठीक है, फिर इसमें से ये घटाएंगे, ठीक है, फिर इसमें से ये घटाएंगे, तीनों घटाए उसका देखिए, उसके बाद जो वैल्यू बनी उनका हम क्या ले लेंगे, उन वैल्यू का हम ले लेंगे एससीएफ। ठीक है, बस दिस इज द करेक्ट आंसर,
दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? देखिए कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, अगर इसमें जरा भी इधर उधर करेंगे तो क्वेश्चन गलत होने का पूरा चांसेस है, लेकिन बहुत ही बेसिक है। अगर आपको समझ में आ गया, अब मैंने आपको समझा दिया तो आपको बहुत ईजी से आपको शायद समझ में आ गया होगा क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। बाकी इसकी पीडीएफ जो चाहिए, यही सारे क्वेश्चन की मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिवाइड, मतलब ऐसा छोटे से छोटा नंबर याद करना है जो कि इन सब नंबर से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। देखिए लीस्ट और हाईएस्ट में अंतर समझिए। अगर वो कभी भी कह रहा है हाईएस्ट नंबर, ठीक है, तो आप यहां से समझ जाइए एससीएफ निकालना है, ठीक है। लेकिन अगर कभी भी वो कहता है लीस्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से आपको याद हो जाएगा कि एससीएफ निकालना है, कि तो हमेशा क्या ना करना है, नंबर का क्या निकालना है, एलसीएम, ठीक है। जैसे कि हमने क्वेश्चन अभी करा था, देखिए हाईएस्ट वाला आपको दिखाऊं, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट मतलब हाईएस्ट, तो यहां पे क्या निकाला था हमने एससीएफ। तो आपको ये समझ में आ गया क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो मैंने डाल दिया इसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फाइव डिजिट विच इज डिविजिबल इतना। तो देखिए फाइव डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कितना होता है, आपको पता नहीं, फाइव डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, 999। ये फाइव डिजिट, इससे बड़ा फाइव डिजिट में कोई नंबर नहीं हो सकता। तो कह रहा है जब इससे मतलब फाइव डिजिट विच डिविजिबल, मतलब इससे डिविजिबल करा जाए, तो इससे डिविजिबल करने के लिए क्या करेंगे हम, इसका पहले क्या कर लेंगे, सबका एलसीएम ले लेंगे। उसके बाद क्या करा, इससे इसको हमने क्या करा, डिवाइड करा, तो रिमाइंडर कितना बचा, 459। मतलब इससे जब इसको भाग करेंगे 459, तो देखिए जब इतना बच गया तो इसका मतलब अगर इतना कम होता नंबर के अंदर, तो ये जो नंबर है इससे ये पूरा डिवाइड हो जाता। तो बस वही तो करना है आपको, कि आपने देखा कि इतना नंबर आपका बच गया डिवाइड करने पर, तो आप इसमें से इतना नंबर क्या कर देंगे, बस माइनस कर देंगे, तो आपका क्या मिल जाएगा, आपका जो करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, आपको समझ में आएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक बार दोबारा बता देता हूँ, देखिए फाइव डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है आपका, 99999, ठीक है। एलसीएम कितना निकाला इनका, 1260, इससे डिवाइड करा, तो आपने यहाँ पे देखा कि 459 क्या बचा, रिमाइंडर बचा। जो रिमाइंडर आपका बचा, तो इसका मतलब अगर इतना कम होता है इस नंबर में, तो ये नंबर इससे पूरा डिवाइड हो जाता, तो उतना ही आप कम कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, वो नंबर मिल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाई। अब देखिए कैसा नंबर है, लीस्ट नंबर का क्वेश्चन है, ये भी एक अलग टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने सारे ही जो एलसीएम एससीएम के जो कॉन्सेप्चुअल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कवर कर दिए, और मैंने बहुत मेहनत से इन क्वेश्चन का सिलेक्शन किया है, आपको प्रोवाइड करा, ताकि आपको किसी तरीके की कोई क्वेश्चन में डाउट ना आए, ठीक है। बाकी आपका काम है कि आप बुक वगैरह से, अगर आपके पास बुक हो तो उससे प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन को, और देखते हैं फिर यहाँ पे लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 20, 25, 30 और 35 रिमाइंडर कितना देता है ये। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन ही बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन होता है, गलत होता है, मैं बता रहा हूँ, बहुत आसानी से गलत कर देते हैं। तो देखिए अगर इस तरीके का लीस्ट नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन ये चार दे रखें, तो इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करनी है, आपको सब में से माइनस करना है। अगर ये मान लीजिए 6 आता है सबका बराबर, 100% 6 बराबर ही आएगा, तो उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको इस क्वेश्चन में, किसी भी तरीके का कुछ नहीं करना, इसका आपको सीधे सीधे लेना है एलसीएम। यहाँ पे इसका एलसीएम लेने के बाद उसमें से जो 6 आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। तो इनका एलसीएम लेने के बाद इसमें से जो 6 है आपको क्या करना है, सीधे सीधे माइनस कर देना, यही इसका जो हो जाएगा। जैसे इसका एलसीएम आएगा 1400, उसमें से अगर आप माइनस करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर बनेगा 3094। तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा कि इस तरीके का अगर चार दे रखो तो आपको सीधे क्या करना है, इसका देखेंगे माइनस करके कितनी एग्जैक्ट वैल्यू निकल रही है 6, उसके बाद इस वाले आगे वाले का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, उसके लास्ट में हमारा क्या कर, 6 माइनस कर देंगे, जो वैल्यू बची थी हमारा करेक्ट आंसर मिल जाएगा, हमें लीस्ट नंबर जो है 3094 मिल जाएगा। और आते हैं लास्ट वीडियो पे, लास्ट क्वेश्चन पे, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लोग समझ नहीं पाते, ये क्वेश्चन भी एलसीएम और एससीएफ जैसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, 6 घंटियां हैं जो टॉल मतलब एक साथ बजती हैं, टॉयलेट इंटरवल ऑफ मतलब 2 मिनट के बाद, 4 मिनट के, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड और 10 सेकंड के बाद जो है ये बेल्स आपस में बजती हैं, मतलब जो घंटियां हैं 2, 1, 2 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद। तो पूछा है इन 30 मिनट हाउ मेनी टाइम, मतलब 30 मिनट के अंदर ये कितनी बार बजेंगी। तो देखिए पहली घड़ी 2 मिनट पे बजेगी, फिर 4 मिनट पे बजेगी, फिर 6 मिनट पे बजेगी, फिर 8 मिनट की बजेगी, और ये देखिए 2 वाली फिर बज रही होगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का अप्रोच कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन का अप्रोच भी देखिए, अगर आप वैसे सोचते चले जाएंगे तो आप कॉन्सेप्ट भी नहीं कर पाएंगे इसका, सीधे आपको क्या लेना है इस टाइप के क्वेश्चन में, इसका लेना है एलसीएम। इसका एलसीएम लेने का 120 आ गया, 120 मतलब 120 सेकंड, क्योंकि ये वैल्यू सेकंड में है, तो 120 सेकंड को आप क्या ले सकते हो, 2 मिनट। तो आप देखिए आपके पास टोटल टाइम कितना है, 30 मिनट, और जो एवरेज आपका निकला 2 मिनट। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, तो 30/2 यानी 15 बार जो आपकी घड़ी बजेगी। लेकिन लोग इसका आंसर क्या करेंगे, सीधे इसके एलसीएम लेने का 20 मिनट को 2 मिनट में चेंज करके, और जो है 30 से कह देंगे कि 30 मिनट में दे रखा है, तो इसका आंसर हो गया 15। नहीं, ये तब होगा ना आपका, देखिए एक बार घंटी जो होगी स्टार्टिंग में पहले टाइम पे बज चुकी होगी, वो काउंट नहीं हो रही है, मतलब जो स्टार्टिंग में घंटी आपकी बज चुकी होगी वो काउंट नहीं हो रही है इसमें, क्योंकि पहली घंटी नहीं, इसके बाद की घंटियां काउंट होंगी। तो इसलिए इस बार बस क्वेश्चन में ये बात ध्यान रखना, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 16 आपको क्या करना है, एक बार जो पहले घंटी बज चुकी होगी, जो शुरुआत में बजी होगी, इसके बाद जो मतलब होगी, तो उसमें 1 आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ये मैंने आपको कुछ जो बहुत ही ज्यादा मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट एससीएफ एलसीएम के क्वेश्चन थे, मैंने इस वीडियो के अंदर कवर करे हैं।
अगर फ्रेंड आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर आप नए हैं, और अपने फ्रेंड्स में इस तरीके की वीडियो शेयर कीजिए। और इसी के साथ मैं और भी एप्टीट्यूड की जो सारे मैंने सेक्शंस बता रहे हैं बहुत जल्दी आपके साथ कवर करूंगा, और ये सब क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर लीजिए। आपके साथ इसी तरीके से मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चंस जो है इसके साथ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट अगले चैप्टर्स के। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच।